मान लो एक बच्चा हो गया, एक संतान हो गई, और एक संतान होने के बाद में दूसरी संतान हो ही नहीं रही, किसी को 10 साल हो गए, किसी को 8 साल हो गए, किसी को 5 साल हो गए, किसी को 6 साल हो गए, किसी को 9 साल हो गए, किसी को 12 साल हो गए, दूसरी संतान हो ही नहीं रही। आपने डॉक्टरों को भी दिखाया, इलाज भी करवाया, फिर भी संतान का सुख नहीं है। इसलिए बेलपत्री के वृक्ष के नीचे का एक भाव बड़ा सुंदर कहा गया, किसी भी सोमवार से आप ये प्रयोग करना प्रारंभ कर सकते। 11 रुद्र होते हैं, 11 रुद्र होते हैं। एक सोमवार को बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जाइए और बेलपत्र के वृक्ष के नीचे जाकर एक एक रुद्र का स्मरण करना। क्या है, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जब आप जाएं तो बेलपत्र के वृक्ष के नीचे की ही मिट्टी का एक कुंड, आप लोग क्या कह सकते हैं यहाँ पर, हम क्या बोले उसको, जैसे मिट्टी का एक कटोरी बनाते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, कुंडी बना लेते हैं, मिट्टी की, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे की ही मिट्टी, उसी मिट्टी का एक छोटा सा एक कुंडा बना लो उसको, मिट्टी का, मिट्टी की कुंडी बनाई, उस कुंडी में जल समर्पित कर दिया और जल चढ़ाने के बाद में एक घी का दिया लगाकर वहीं पर थोड़ा सा मीठा, कुछ भी जो आपके पास में हो, घर में जो भी उस समय पर आपके साथ में हो, या तो दूध घर का मीठा हो, जैसे मावे का, खोए का हो, या खीर हो, तो वहीं पर एक कटोरी में थोड़ा सा रख दीजिए और उस कुंडी में जो जल चढ़ाया गया है वहां पर उस बेलपत्री के वृक्ष के नीचे भगवान शंकर के 11 जो रुद्र हैं उसमें से एक एक रुद्र का आपको स्मरण करना। 11 रुद्र का नाम क्या है, तो पहले नंबर पर आता है कपाली, दूसरे नंबर पर आता है पिंड, तीसरे नंबर पर आता है भीम, चौथे नंबर पर आता है विरूपाक्ष, पांचवें नंबर पर आता है बिलोहित, छठे नंबर पर आता है शास्त्र, सातवें नंबर पर आता है अचपात, आठवें नंबर पर आता है अहिष्णु, और नवे नंबर पर आता है शंभु, दसवें नंबर पर आता है चंड, और 11वें नंबर पर आता है भव। एक रुद्र के नाम से एक कुंड का निर्माण कर, पूजन करी, घी का दिया लगाया, वहां जो मीठा रखा है उसको लिया, कुंड में से थोड़ा सा जल लिया, बेलपत्री के पेड़ के नीचे आचमन किया, जो मीठा रखा है वो ले जाकर रात्रि के समय पर सोने से पहले पति पत्नी उसको पाए और साथ रहे। एक सोमवार को ये प्रयोग करना है, फिर दूसरे सोमवार को दूसरे जो एकादश, जो 11 रुद्रों का जो वर्णन किया गया है, एक एक रुद्र का नाम लेकर एक बार कुंड का निर्माण करना है, दूसरे बार, दूसरे सोमवार को, जैसे एक बार आपने अगर कपाली नाम से पूजन करी, दूसरे नंबर पर पिंडरल नाम से पूजन करी, तीसरे नंबर भीम नाम से, फिर आप विरूपाक्ष नाम से, ऐसे एक एक सोमवार करना है 11 सोमवार, और 11 सोमवार जैसे तुम्हारे पूर्ण होंगे, भले 10 साल हो गए हों चाहे 15 साल हो गए हों, गर्भ जरूर ठहरेगा और संतान की प्राप्ति। 11 रुद्र भी पूरे नहीं हो पाते हैं और गर्भ ठहर जाता है, लगभग 4-5 रुद्र पूरे होते हैं और गर्भ ठहर जाता है। तो आप जो 11 रुद्र हैं, इनका स्मरण कर कर भी भगवान शंकर से प्रार्थना कर सकते हैं।